लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी उसने ट्वीट किया है कि इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अगर अगर आप किसी विषय की राजनीति करना चाहते हो या क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में कोई एक अलग से माहौल बनाना चाहते हो तो किसी भी भाषा शब्द का कोई भी अर्थ निकाल सकता है। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हराम खोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है, नॉटी। देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से, हमेशा इस प्रकार की क्या बोलता है मजाक वो करती है, मैं देखा है, मैं पढ़ता हूँ। ओफो, भगवान, सुरोहित जी कहाँ से लाए हैं इसको? अब रुक जाइए साहब, रुक जाइए। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ रहे, जुबान, तुम्हारा आईटी सेल मेरा मजाक उड़ाता है। सर मैं सर आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो, सर आप प्लीज बैठ जाओ, आप नॉटी हो, बस आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब देखो तुम नॉटी नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी नॉटी डिबेट ऑफ द ईयर का अवार्ड तुमने जीता है। तो क्या हो गया, आप नॉटी हैं, नॉटी हैं तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? अब आप प्लीज मुझे विषय से भटकने नहीं है, मुझे आपसे बुझना नहीं है। सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे, अरे तुम मुझे आराम से बोलना चाहते हो, आपके तो आप नॉटी बोलते हो, अरे तुम मुझे आराम से बोलना चाहते हो, आपके तो आप नॉटी बोलते हो। अच्छा मतलब ये तो कमाल हो गया, ये तो आप ही के संजय राउत ने बताया था कि मतलब हराम मेरे बेटे तरीके हो। हाँ हाँ तुम है ना अभद्र बाचा, हाँ तो बेटे जैसे है तो आप शांति से बैठो ना, बेटे को बोलने दो तो क्योंकि अच्छा मैं नॉटी बोला तो आप हरामखोर समझ गए, ये तो बड़ा कमाल की बात है। अब आप शांति से बैठो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो आप बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए, आप मुझे बोलने दिया जाए। तुम बुद्धि से नॉटी बोल रहे ना, हाँ, और संजय राउत सरकार का हिस्सा नहीं है। रोहित भाई जरा ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दो प्लीज। संजय भाई मैं इनसे ये पिता जैसे हैं, मैं इनसे उलझना नहीं चाहता हूँ, मुझे विषय को रखने दिया जाए, गंभीरता के साथ रखने दिया जाए। और देखिए मैं दो तीन उदाहरण, मैं बोल बेटे को बोलने दो। थैंक यू सर मैं प्लीज बोल लूं, नहीं तो आप फिर मेरा जबड़ा भी तोड़ देंगे। रोहित जी मैं दो तीन उदाहरण देता हूँ जी, दो तीन उदाहरण देता हूँ। देखिए ये वही महाराष्ट्र है जिसमें दिसंबर, ये प्रवचन करते हैं। रोहित जी मैं शांत बैठ जाता हूँ, ये प्रवचन करते हैं। किशोर जी प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, वो अभी कनेक्ट हुए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका प्रवचन भी सुनवाऊंगा अभी आपको। दैट इज बाबा जी।